हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू मॉम्स किड्स केयर। आपके घर में तो रोज साग सब्जी बनता होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसा सब्जी है और साग है जो कि बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये जानलेवा हो सकता है और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। चौंक गए ना आप, तो जानते हैं इसका डिटेल्स। सब्सक्राइब करें मॉम्स किड्स केयर यूट्यूब चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और हमारा लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। बारिश के मौसम में पालक हुआ, पत्ता गोभी, गोभी और दूसरा जो साग होता है चौलाई का साग, ये सब नहीं खाना चाहिए। पालक का साग तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा डैम्प रहता है, तो उससे क्या होता है ना, बारिश के मौसम में जर्म्स बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं साग और सब्जी को, इसीलिए ये सब सब्जी और साग नहीं खाना चाहिए आपको। दूसरा है फिश एंड प्रॉन, मछली और प्रॉन बारिश के सीजन में ना खाएं। वैसे भी मानसून में फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है, और अगर ये अंडा बाई चांस अगर पेट में चला गया तो ये फूड पॉइजनिंग तक करा सकता है। और आपने तो देखे ही होंगे कि तालाब कितना गंदा रहता है मानसून के सीजन में, और वही और मछली वही गंदे पानी में रहते हैं, वही मछली खाने से जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, इसीलिए इन दोनों को अवॉइड करें। आप चिकन मटन खा सकते हैं, लेकिन अच्छे से कुक करके। मानसून में आप बाहर का खाना ना खाएं, ज़्यादातर फ्राइड फूड इसको पूरा अवॉइड करें, और जो खाना आप बना रहे हैं घर में उसको फ्रेश बना के खाएं, ज़्यादा देर बाहर ना रखें। फ्रूट्स खा रहे हैं उसी टाइम काटें और खाएं, उसको बाहर ना रखें, और ख़ास करके बच्चों को तो ये बिल्कुल भी ना दें। इवन आप फ्रिज में भी रख के बच्चों को खाना ना खिलाएं। टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब बारिश के मौसम में ही ज़्यादा फैलते हैं ये सब बीमारी, और इसका मेन कारण होता है पानी। इसीलिए जो बाहर का खाना है जिसमें पानी का यूज़ होता है, जैसे पानी पूरी, हम उसको गुपचुप बोलते हैं, वो तो बिल्कुल भी ना खाएं। उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जॉन्डिस का चांसेस ज़्यादा रहता है उससे। अब सवाल ये आता है, अगर पालक नहीं खाएंगे, साग सब्जी नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? डेली का न्यूट्रिशन जो होता है वो फुलफिल कैसे होगा? उसका भी सोल्यूशन है। बारिश के मौसम में आप क्या करें, दूसरा सब्जी जैसे लौकी, तोराई और जो परवल भी इस मौसम में मिलता है, करेला, ये सब आप खा सकते हैं। और एक साग होता है जिसको गंगूरा का साग बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं कांवरिया साग, उसमें वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है उसमें, उसको आप खा सकते हैं, वही साग ला के आप खाइए। और जैसा प्रोटीन का बात चल रहा है, और आप बाजरा का रोटी खा सकते हैं, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। आप रागी का खीर, ओट्स का खीर बना के खा सकते हैं, उसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। रागी, ज्वार, बाजरा, इन सबको मिला के आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। बारिश के मौसम में आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और ये टाइफाइड और जॉन्डिस से बचे रहिए। आपका तो चलो फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम बच्चों के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, इसीलिए बच्चों को बिल्कुल भी ये पालक, गोभी, मछली, ये सब खाना बिल्कुल भी ना खिलाएं, और जो बाहर का खाना उसको बिल्कुल ना दें बच्चों को। और जब भी पानी पिलाएं, बॉयल करके पानी पिलाएं, और जो फ्रेश खाना बनाएं उसी को खिलाएं, इवन फ्रिज का खाना भी बच्चों को ना खिलाएं। और ये बारिश के मौसम में इन सब बातों का ध्यान रखें, और स्टे हेल्दी।